Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. अगर मैं आपसे बोलूं आपको अब फ्री फायर में कहीं पे भी कोई भी ग्लू वॉल देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि फ्री फायर के बरमुडा मैप में आपको एक और मैप अंदर ही देखने को मिलेगा, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? और ऐसे ऐसे शॉकिंग और सीक्रेट अपडेट्स OB40 अपडेट में आने वाले है ना, उनको सुनकर आज आप एकदम शॉक होने वाले हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज बालोगाज कर देना। पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है OB40 अपडेट के न्यू कैरेक्टर्स को लेकर। इसमें आपको अपडेट के दिन दो नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और गारंटी के साथ दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होने वाले। इसमें से पहला कैरेक्टर है अवेकन आलोक, जिसको आप इली डीजे आलोक भी बोल सकते हो। इसकी एबिलिटी ये होगी, जब भी ये डीजे आलोक वाला स्किल यूज करेगा ना, तो ये हर 2 सेकंड में म्यूजिक बना हुआ सर्कल छोड़ेगा, और इस म्यूजिक वाले सर्कल के पास अगर आपका टीममेट जाएगा तो उसके अंदर इलीट आलोक की एबिलिटी जाएगी, और हर 1 सेकंड में आपके टीममेट का 3-3 HP बढ़ता रहेगा, और इसकी शक्ति 10 सेकंड के लिए चलेगी, मतलब टोटल आपके टीममेट का 30 HP बढ़ेगा। और ऐसे ही बहुत सारे म्यूजिक नोट वाले सर्कल छोड़ेगा, वो आपका पूरा का पूरा स्क्वाड यूज कर सकता है। तो है ना एकदम कमाल की एबिलिटी। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो इससे भी ज्यादा दुगना खतरनाक है, और मजे की बात है कि इस कैरेक्टर का जो स्किल है वो एक पैसिव स्किल है, और इस कैरेक्टर का नाम है सोनिया। इसकी एबिलिटी ये है कि जब आपको कोई एनिमी डैमेज देगा ना, और आपकी हेल्थ पूरी डाउन हो जाएगी ना, तो आपको अपने आप ही 150 का टेम्परेरी HP मिलेगा, और चाहे आपका एनिमी आपको 1000 का भी हेडशॉट मारेगा ना, तो आप फिर भी नहीं मरोगे। लेकिन जो वो 150 का टेम्परेरी हेल्थ है ना, वो आपको सिर्फ 6 सेकंड के लिए मिलेगा, और उन 6 सेकंड में ही आपको अपने एनिमी को मार देना। अगर मार पाए तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर 6 सेकंड अंदर अंदर ही नहीं मार पाए तो आप अपने आप ही मर जाओगे। मेरी बात याद रखना, एक कैरेक्टर क्लैश स्क्वाड में एकदम तबाही मचाएगा। अब कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस अपडेट में फ्री फायर 4 कैरेक्टर्स को इंप्रूव ही करेगा, जिसमें से एक है दिमित्री, दूसरा है थीवा, तीसरी है ओलिवा, चौथी है कैपेला। और इनके जो इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं उसका स्क्रीनशॉट मैं यहां पे डाल रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जो है ग्लू वॉल को लेकर। अब आपको अपडेट के बाद कहीं पे भी ग्लू वॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सब प्लेयर्स के बैग में ऑटोमेटिकली ग्लू वॉल आ जाएगा, और वो पॉसिबल होगा ग्लू वॉल मेकर से। जब आप प्लेन से लैंड करोगे ना, आपके बैग में ऑटोमेटिकली ग्लू वॉल मेकर आ जाएगा, वो आपका ग्लू वॉल बनाता जाएगा, और जब आप जमीन पे उतरोगे ना, आपके हाथ में एक ग्लू वॉल जरूर होगा। लेकिन याद रखना, जमीन पे गरुड़ में आपको कहीं पे भी ग्लू वॉल अब नहीं मिलेगा, ना ही अब आपको वेंडिंग मशीन में ग्लू वॉल मिलेगा। और अगर आप किसी एनिमी को मारोगे भी ना, जिसके पास 10 ग्लू वॉल भी होगे, आपको फिर भी उसके लूट के नजदीक जाकर भी सिर्फ 2 ही ग्लू वॉल मिलेगी। और ये चीज फ्री फायर ने इसलिए किया ताकि सारे प्लेयर्स के पास इक्वल ग्लू वॉल रहे। लेकिन ये बात कितनी अजीब लगती है ना, कि अब आपको लूट करने के टाइम कहीं पे भी ग्लू वॉल नहीं मिलेगा। अब ग्लू वॉल की बात कर ही रहे, तो एक और ग्लू वॉल का खतरनाक अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। अपडेट से पहले आप लोग ग्लू वॉल लगाने के लिए क्या करते थे, पहले ग्लू वॉल पे दबाते थे, फिर फायर बटन पे दबाते थे, तब जाके ग्लू वॉल लगता था। लेकिन अब अपडेट के बाद आपको सिर्फ ग्लू वॉल पे दबाना है और वो अपने आप ही लग जाएगा, मतलब अब ग्लू वॉल लगाने के लिए फायर बटन को दबाना जरूरी नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये चीज शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन बाद में जाकर इस चीज से खेलने की स्पीड और इंक्रीज होगी। बाकी जो ग्लू वॉल के और सीक्रेट अपडेट्स है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो हमारा एक और बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है क्लैश स्क्वाड को लेकर। अब आप लोग क्लैश स्क्वाड में 2-2 एक्टिव स्किल्स ले सकते हो, मतलब आप लोग अब क्लैश स्क्वाड में आलोक और क्रोनो को एक साथ यूज कर सकते हो। और ये फ्री फायर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि आप एक गेम में 2-2 एक्टिव स्किल यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्लैश स्क्वाड में CS:DUO एक्टिव स्किल पे क्लिक करना है और फिर गेम स्टार्ट करना है। और जब आपका गेम स्टार्ट होगा ना, तो आप शुरू में ही कोई भी 2 एक्टिव स्किल सेलेक्ट कर सकते हो, और उन्हीं स्किल्स को पूरी गेम में यूज भी कर
कर सकते हो। और याद रखना है CS रैंक मोड की बात चल रही है और ये चीज तब से शुरू होगी जब CS का नया रैंक सीजन आएगा। अब क्लैश स्क्वाड की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और क्लैश स्क्वाड के बड़े अपडेट के बारे में बताना चाहूंगा। अब आपके क्लैश स्क्वाड में एक नई जगह ऐड होने वाली है जिसका नाम है रिमनाम विलेज, लेकिन ये पुराना वाला रिमनाम विलेज नहीं होगा क्योंकि फ्री फायर OB40 अपडेट में रिमनाम विलेज को पूरा चेंज करने वाला है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि नया वाला रिमनाम विलेज कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये नया वाला रिमनाम विलेज ना सिर्फ क्लैश स्क्वाड में नहीं बल्कि BR रैंक में भी आएगा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है फ्री फायर के बॉट्स को लेकर। गाइस अपडेट से पहले अगर आपकी गेम में कोई बॉट होता था ना और अगर आप उसको मारते थे ना तो वो स्पेक्टेट नहीं करता था, लेकिन अब अपडेट के बाद अगर आप किसी बॉट को मारोगे ना तो आपको स्पेक्टेट भी करेगा और लाइक भी देगा और साथ ही साथ अब जो बॉट्स हो गए ना वो पूरा का पूरा नॉर्मल प्लेयर्स की तरह खेलेंगे, मतलब क्राउच भी करेंगे, प्रोन भी करेंगे, आप अगर उनके नजदीक जाओगे तो वो टीम अप भी करेंगे। और ये चीज ना मेरे को भी देखकर आज बहुत हंसी आई और आप भी इस चीज को बैकग्राउंड में क्लियरली देख सकते हो। अब फिफ्थ नंबर पे जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है वो है ओल्ड फ्री फायर को लेकर। गाइस फाइनली हमारे ओल्ड फ्री फायर की लॉबी का ये वाला म्यूजिक वापस आ रहा है। सच में ना ये सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गई। अब पुराने फ्री फायर की बात चली रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ लीक्स निकल के आ रही है कि नए सीजन में पुर्गेटरी मैप वापस आ रहा है और साथ में कुछ पुरानी चीजें भी। अब क्या पता फ्री फायर अपडेट के दिन कुछ सरप्राइज दे दे, लेकिन ये चीज ऑफिशियली तो नहीं पता चली, लेकिन इस बार इसके चांसेस बहुत ज्यादा है और ऐसा देखा भी जा रहा है कि फ्री फायर कुछ अपडेट से पुरानी चीजें वापस ला रहा है। जैसे पुराने अपडेट में हमारे कालाहारी मैप को वापस लाया था, अब जो होगा वो तो अपडेट वाले दिन ही पता चलेगा। अब सिक्स नंबर पे जो हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, फ्री फायर के मैप के अंदर भी आपको अब नया फ्लोटिंग मैप देखने को मिलेगा। इस अपडेट के बाद आप जब गेम में आओगे ना आपको ऊपर आसमान में एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखेगा, तो आप देखकर थोड़े शॉक हो जाओगे कि आखिर एक कौन सी जगह है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपको आसमान में एक नई चमत्कारी जगह दिख रही है ना, यहां आप तब पहुंचोगे जब आप शुरू में गेम में मर जाओगे और आपको यहाँ पे मौका मिलेगा फिर से रिवाइव होने का। यहाँ पे रिवाइव होने के लिए आपको ऊपर वाले रिवाइव बार को पूरा चार्ज करना पड़ेगा और ये चार्ज पता है कैसे होता है? एक तो यहाँ पे जो आप नाइफ से एनिमीज को मारोगे उससे चार्ज होगा, दूसरा आप जो इन टाइल्स पे चलोगे उससे चार्ज होगा, तीसरा अगर आप इन क्यूब्स पे नाइफ मारोगे उससे चार्ज होगा। लेकिन याद रखना ऊपर दिए गए टाइम में ही आपको उस पूरे बार को पूरा चार्ज करना पड़ेगा और तभी जाकर आप खुद से रिवाइव हो जाओगे। और ये फ्लोटिंग आइलैंड वाला आपको सोलो में भी दिखेगा, डो में भी दिखेगा और स्क्वाड में भी दिखेगा। और दूसरी बात भी याद रखना कि एक गेम में आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक बार आ सकते हो। अब बात करते हैं सेवेंथ नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है न्यू फीचर्स को लेकर। पहला फीचर है माइलस्टोन अचीवमेंट सिस्टम, जिसमें आपको चैलेंज कंप्लीट करने पे नई अचीवमेंट्स अनलॉक होगी। मैं जानता हूं कि सुनने में बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन अचीवमेंट्स अनलॉक करने पे आपको इतनी सारी चीजें फ्री मिलेगी ना, जो आप देख कर ही ना एकदम खुश हो जाओगे। और सच बोलूं तो ये चीज मेरे को भी अच्छी लगी कि अब फ्री फायर ज्यादातर चीजें फ्री दे रहा है। दूसरा अपडेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है न्यू लॉबी को लेकर। गाइस अपडेट के बाद आपको इतनी ज्यादा सिंपल और इतनी अच्छी लॉबी देखने को मिलेगी, इसमें आपको सारी की सारी चीजें एकदम सामने ही मिलेगी। जैसे कि आपको कैरेक्टर चेंज करना है वो भी एकदम सामने ही मिलेगा, आपको किसी को मैसेज करना है तो वो भी एकदम लिखा हुआ ही आएगा। आपके टीम में कोई बंदा होगा जो रेडी नहीं कर रहा होगा, आप उसको सीधा रिमाइंडर भेज सकते हो। जो हमारी इनविटेशन लिस्ट है उसको एकदम आसान कर दिया गया है, इनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्विक मैसेज को ऐड किया गया है और बहुत सारी इन गेम मैसेज को भी ऐड किया गया है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो। The arsenal. Get in the car. Come here. Get in the car. Go for the arsenal. और सबसे अच्छी बात अब आप इन क्विक मैसेज की वॉइस को भी चेंज कर सकते हो, मतलब आप अपने जेंडर के हिसाब से भी वॉइस रख सकते हो, लड़की हो तो फीमेल वॉइस, लड़के हो तो मेल वॉइस। स्पॉन आइलैंड का पूरा लुक चेंज किया गया है, इसमें आपको अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है और आपका मैच 5-6 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपका स्पॉन आइलैंड सीधे प्लेन में ही है। और भी बहुत सारे अपडेट्स आए, जैसे कि नया पग पेट आया है जिसमें कि कोई स्किल तो नहीं है लेकिन आप उसमें खुद से स्किल लगा सकते हो।
क्लास में वेपन एडजस्टमेंट की बात करें तो M1887 चार्ज बस्टर मैग 7 ट्रोगून बिजॉन MP40 थॉमसन XM8 M1040 इन सभी गन्स में थोड़ी चेंज होने वाली है। वो गन्स इनमें से अच्छी नहीं चलती थी उसको अच्छा बनाया गया है और जो ज्यादा ओवर पावर थी उसका पावर थोड़ा सा कम कर दिया गया ताकि गेम में हर कोई बंदा हर एक गन चलाए। तो यही था इस आज के अपडेट वाले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।